Hello children, hope so you all are fine and safe. Students, today we are going to start our next chapter. The name of the chapter is chapter number 5, Chatak Chatak. Chatak Chatak, that means sparrow, sparrow. देखो यहाँ पे एक boy है, उसके घर पे कुछ sparrows आए हैं. To see the sparrows, he was very happy and then he sang that song. इस chapter में एक बहुत ही प्यारा सा गाना दिया गया है. सॉन्ग है रिगार्डिंग स्पैरो, स्पैरो के ऊपर. आप लोगों के घर पे भी कभी आंगन में या कभी विंडो पे, आपके घर पे आके कभी भी कोई भी बर्ड आके बैठता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना. और हम लोग क्या करते हैं, उनको कुछ ग्रेन्स भी प्रोवाइड करते हैं या उनके लिए वाटर पानी भी रख देते हैं. टेरेस पे भी कई लोग अपने घर की छतों में भी कुछ पानी के ऐसे बाउल्स रख देते हैं ताकि वो स्पैरोज या कुछ बर्ड्स आके ड्रिंक करें, और कुछ ग्रेन्स भी रख देते हैं. सेम यहाँ पे भी एक बॉय है, जब वो घर पे बैठा है तो उसके आंगन में कुछ स्पैरोस आती हैं एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी द स्पैरोस एंड दैट ही सेंग दैट सॉन्ग. यहाँ पे इस चैप्टर में सॉन्ग दिया गया है अबाउट चिड़िया पे, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉन्ग रिसाइट करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ गाना. लेट्स स्टार्ट. चटक चटक रे चटक, चटक चटक रे चटक, चिवा चिवा कुछ सीतम विहग, चिवा चिवा कुछ सीतम विहग, नीले दिवस सि सुखे नगर से खाग सि पदानी मधुराणी. फिर से रिसाइट करें. नीले दिवस सि सुखे नगर से खाग सि पदानी नास्ती जनक कलवार आते, नास्ती
not. ठीक है, जनक means person, खलु means really, and मान्यता that it stops. No one stops you. You stroll in the large green sky and no one stops you. Okay? माता पितरा गुरु महानस्ति. ठीक है, my parents, माता पितरा that means mother and father that means parents. My parents are not here. ठीक है, एकाकी खलु खिन्नो हो. एकाकी that means loneliness will sad me. Okay? यह समीपम चिन चिन मित्रम कम नियर, समीप दैट मींस नियर, एह दैट मींस कम. कम नियर ओ चींची फ्रेंड, चिन चिन मित्रम दैट मींस चींची फ्रेंड, चींची फ्रेंड कम नियर. ददाम तुभ्यं बहुधान्यं, ददाम दैट मींस गिव, आई विल गिव यू मेनी ग्रेन्स. बहुधान्यं धान्यं मींस ग्रेन. ठीक है, आई विल गिव यू मेनी ग्रेन्स. नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं, चरकम स्वीकृत पिदरे नीलम. चरकम दैट मींस जो ग्रेन होता है कहीं, स्वीकृत एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेन. पिदरे नीलम, नीलम मींस वाटर, पिद मींस ड्रिंक. ओके, ड्रिंक वाटर, यू एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर. त्वं पुनरपि रट चिव 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 एंड अगेन यू स्पीक चिं चिं चिं. ओके, पुनरपि दैट मींस अगेन स्पीक. तोषे माँ गुरु मधुरा आलापम, तोषे दैट मींस सैटिस्फाइड एंड सैटिस्फाइड मी हियर योर स्वीट वॉइस. ठीक है, मधुर आलापम दैट मींस जो ये आप जो स्पैरोज ची 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 का स्वीट वॉइस में करती है वो. पाठे माँ मपी तो भाषा, माँ अपी दैट मींस मी ऑल्सो. ठीक है, पाठे टीच तो भाषा योर लैंग्वेज एंड टीच मी ऑल्सो योर लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पे किसके बारे में कौन बता रही थी? यस, स्पैरो के बारे में कि जो बच्चा अलग अकेले बैठा हुआ है, एक बॉय अपने घर पे अकेले में बैठा हुआ है, तब उसके घर पे स्पैरो आती है, तो वो स्पैरो को देख के बहुत ही हैप्पी होता है. एंड देन ये सॉन्ग भी गाता है कि ओ बर्ड, ओ स्पैरो बर्ड, यू यू लिव इन द स्काई एंड यू फ्लाई इजीली, यू लिव इन द नेस्ट एंड यू फ्लाई इजीली and eat sweet fruits and you are, no one stops you when you fly in the sky. And then he says, my parents are not here, so I am alone and your chee 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 is my friend. जब तुम chee 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 करती हो मेरे को अकेले पर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई friend मुझसे बात कर रहा है, तो तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बहुत सारे grains दूंगा. ठीक है, इस तरीके से जो boy है वो पूरी अपनी feelings है वो चिड़िया के साथ share कर रहा है. एंड इवन उसे कह रहा है कि मुझे भी जो तुम्हारी चीज 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 की लैंग्वेज है वो भी मुझे टीच कर. सो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन है, ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स सी द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. सी द टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, इसमें जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है सिमिलर वर्कबुक में भी दी गई, सेम क्वेश्चन वर्कबुक में दिए गए हैं. सो वी विल डू दैट एक्सरसाइज डायरेक्टली इन द वर्कबुक. हम जब वर्कबुक करेंगे तभी क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें समझ लेंगे. ठीक है, आपको अभी क्या करना है, ये जो पोयम है वो आपको नीट हैंड राइटिंग में, पूरे नीट हैंड राइटिंग में नोटबुक में लिखनी है एंड ऑल्सो आपको मेमोराइज भी करनी है. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस पोयम एंड राइट डाउन वन टाइम इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट, टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.